बोल दे गुड बाय। मैं तो आपको कब से गुड बाय बोल के निकलना चाह रहा हूँ, लेकिन एक आप ही हो जो मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे जाने ही नहीं दे रहे हो। ए, मैंने चश्मे को गुड बाय बोलने को कहा, समझा? अब आपको परी फोड़ू या चुपचाप मेरे हाथों में दे रहे? अरे वो देखो सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया? कहाँ है सोने की चिड़िया? बस टूट गई। तुम भी उड़ो। हाँ? अरे पकड़ो सोने की चिड़िया को। क्या क्या कुछ भी पूछते चल। अरे यार ये पिद्दी मानव का चला गया और मेरे तो लंगूर भी नहीं दिख रहे। अरे मानव सामने से आ रहे, अब भी से नहीं छोड़ूंगा मैं, कहीं छूट जाता हूँ फिर इसे पीछे से पकड़ूंगा। कहाँ छुप? अरे कहाँ छुप, क्या इसके अंदर ही छुपता हूँ। अब आने दो मानव को। बस एक बार ये हाथ में आ जाए ना, फिर तू देख मैं उसका कैसा भरता बनाता। बस तू तो सिर्फ भरता बनाएगा ना, मैं तो उसे ऐसे लात मारूंगा ना। रोको रोको, अभी जैसे मोंडू बॉस की आवाज उसमें से आ रही है ना, वैसे ही मानव की आएगी। लेकिन इसमें से मोंडू बॉस की आवाज क्यों आ रही है? अरे बहुत हो गया तुम दोनों का, बहुत। मैं फिर से सेम जगह पर आ गया। सॉरी सॉरी, भागो। पकड़ो। अरे उसे नहीं, मुझे मुझे पकड़ो। अब मैं भाग नहीं सकता। और हाँ, मानो का चश्मा तोड़ने के चक्कर में मेरी हड्डियां टूट जाएगी, इसलिए प्लान कैंसिल कैंसिल प्लान कैंसिल। अरे बॉस संभालो, संभालो संभालो बॉस। कौन? मैं। अरे कौन मैं? आप अमृत लाल डगले। अरे अमृत लाल डगले नहीं, मैं महेश डगली। अच्छा चिट्ठी लाए हो? ये अमृत लाल डगले जी की पेंशन देनी है, उनको बुलाइए। नहीं वो नहीं आ सकते। तो मुझे उनके पास लेकर चलिए। अरे रुको, ओ भाई रुको रुको, मैं तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकता क्योंकि वो तो यहाँ से बहुत दूर भगवान के यहाँ गए हैं। ओ, सुन के बहुत बुरा लगा। क्यों भाई क्यों, तुम्हें क्यों बुरा लगा? क्योंकि वो भगवान के पास चले गए। तुम्हारा कोई उधार बाकी था? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो तो आपको बुरा लगा सोचकर। हमें क्यों बुरा लगा, हम तो बहुत खुश है। भाई आखिरकार देर से ही सही, बापूजी गए तो सही। मतलब आप खुश है आपके बापूजी चले गए? हाँ तो भगवान के यहाँ जाने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। वो तो बेचारे डर रहे थे, लेकिन मैं नहीं डरा। मैं तो बस ससा धक्का मुक्की करके बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती बस चढ़ा के आया। तुमने अपने बाबूजी को बस चलाई? मैं तो पुलिस का वाला करूंगा। अरे को, क्या? मैं तो पुलिस का वाला करूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने अपने बाबूजी को बस चलाई। एक मिनट, अरे एक मिनट, क्या क्या सोच, एक मिनट, अंदर आओ, कुछ नहीं करूंगा अंदर। मुझे ये बताओ, मैं अपने बापूजी को बस के नीचे क्यों डालूंगा? उनके ऊपर से बस नहीं चढ़ाई है, मैंने उन्हें बस के अंदर चढ़ाया है ताकि वो द्वारका जाए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। अच्छा, वो भगवान के पास दर्शन करने का द्वारका? हाँ तो मैंने सोचा कि वो मेरे बापूजी है, मैं उनके लिए ऐसा क्यों करूंगा। सॉरी 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 सॉरी, ये आपकी पेंशन? हाँ मेरी, मतलब आपके पिताजी की। हाँ ये साइन कीजिए। किसकी? अमृतलाल डगली की? नहीं नहीं नहीं, आपके। अच्छा सिग्नेचर मेरी करनी है? ये कमाल, ये आप लोगों का सिग्नेचर मेरे कराते हैं और पेंशन बापूजी की देते हैं। वाह वाह वाह, बापूजी की पेंशन तो यहाँ आ गई, अब मुझे वहां भिजवानी पड़ेगी।
करे। मारियो, संभालिए अपने आप को और घबराइए मत। अपनी सारी शक्तियां रानी परी की मूर्ति पे केंद्रित करना जारी रखिए। आज रानी परी को अपने रूप में लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। रुक जाओ तौबा तौबा, ये भूचाल इस बात का संकेत है कि सारी परियों ने अपनी शक्ति रानी परी को जीवित करने में केंद्रित कर दी और इस भूचाल का हम फायदा उठाएंगे। परियों को ये पता भी नहीं चलेगा कि इस वक्त हम भयंकर परी को कैद से आजाद कर रहे हैं। ये क्या है, ये सब लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? अरे भाई, इस घर की हंसी, इस घर की खुशी, इस घर का शोर, ये सब कहाँ चले गए? द्वारिका, मुझे द्वारिका जाना है। मुझे भी जाना है। हाँ, मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। तेरे बापूजी नहीं है ना, तो मैं तो एकदम मैड हो गई हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, मैड नहीं, सैड सैड, दुखी। हाँ, क्योंकि मैड का मतलब तो पागल होता है। हाँ वो वही सेम टू सेम हो गई हूँ। बापूजी नहीं है तो घर एकदम सुना सुना हो गया है। हाँ। लेकिन माँ, सुना सुना कैसे हो सकता है? देखा देखा होगा, क्योंकि घर को तो हम देखते हैं, सुनते थोड़ी ना। भैया सुनो 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 सुनो, इस दुख को सुख में बदलने का मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। मैं अभी जाता हूँ और राधे स्वीट के यहाँ से गरम गरम जलेबी, गरम गरम फाफड़ा और गरम गरम खमन लेके आता हूँ। जलेबी ढोकला, मजा आएगा मजा आएगा। मेरा बल्लू अपने चाचा के यहाँ नहीं गया होता ना, तो वो भी ऐसा ही एक्साइट होता। तो बोलो कौन कौन खाना चाहता है? मैं रानी परी को उनके स्वरूप में ला पाएंगे कि नहीं ये तो मालूम नहीं, पर हाँ हम भयंकर परी को जरूर सर्वदा कैद खानी से आजाद करवा लेंगे। हाँ, और आज जुड़ जाएंगी दो महाशक्ति, बवंडर परी और भयंकर परी, और फिर उठेगा ऐसा तूफान जिसका सामना बाल भी और परियां भी नहीं कर पाएंगे। हाँ नाराज तारास परी, कुछ पल और बस
अब और इंतजार नहीं, अब हम मनाएंगे महामंगल पर्व। परिया नहीं। मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। बवंडर परी, आजादी मुबारक हो भयंकर परी। पुकी पुकी, तुम दोनों इस बकरी को हमारे घर पे क्यों लाए हो? ये बकरी नहीं है, मेरा मतलब है ये कोई मामूली बकरी नहीं है। हाँ। ये हमारी तरह बातें करती है। हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है कुकी? कुछ भी मत फेंको। अरे मैं फेंक नहीं रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो चंदू से ही पूछ लो ना। चंदू? चंदू कौन है यहाँ पे? ये बकरी का नाम है चंदू। एक मिनट, इसका नाम चंदू है ऐसा तुम लोगों को किसने बताया? किसी ने, देखिए चल बता चंदू कौन है। देखा। और सुनो भी, मजा आया। बोलने वाली बकरी? अरे रॉकी भैया, ये बोलने वाली बकरी नहीं है ये तो। आप बड़े भी ना, हम बच्चों के बाद आसानी से मानते ही नहीं हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? हम तो सड़क पर खड़े थे, हम सबसे पूछ रहे थे कि हमारे साथ मानव मेयर के घर कौन चलेगा, कृष्णे का। देखा पुकी पुकी, बकरी मैं की करती है लेकिन ये हर बात पे मैं नहीं करती। हाँ। ये तो सिर्फ सही बात पे मैं करती है। हाँ। कुकी अब कुछ भी मत बोल वरना पीट दूंगी मैं। तुम भी बिल्कुल अपनी मम्मी पर ही गई हो। देखो अब मैं इसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब भी देखिए। देखना चल पता तेरा बर्थडे कब है? मैं कह रही हूँ मैं बर्थडे है ना इसका। और कुकी पुकी से समझदार कौन है? हाँ बहुत समझदार है ये, इसलिए हम इसे स्कूल ले जाएंगे। हाँ? हमारे साथ स्कूल कौन जाएगा? एक मिनट, इस घर से वापस कौन जाना चाहता है? देखा कुकी पुकी, बकरी बाहर जानी चाहती है। अरे हाँ, कुकी पुकी के साथ कौन जाना चाहता है? देखा। और इस घर में कौन रुकेगा? मैं। ओ सॉरी चंदू, ओ हमें नहीं पता था कि तू यहाँ पे बोर हो जाएगा। चलो बाय बाय। ये दोनों भी ना कमाल है।
बधाई हो परियो, रानी परी फिर से अपने असली रूप में आ गई। रानी परी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रानी परी आपको हमारे साथ देखकर हम सब बहुत खुश हैं। महामंगल पर सचमुच हमारे लिए मंगलकारी सिद्ध हुआ। रानी परी अब आपके आने से हर तरफ खुशियां छाएगी, हर तरफ जश्न मनेगा, बुराई का सर झुकेगा और सच्चाई की ताकत बढ़ेगी। खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। चलिए रानी परी, रानी महल आपका इंतजार कर रहा है। चलिए रानी परी। विराम परियो, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि परी तारा सुरक्षित है या नहीं। जी रानी परी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, परी तारा पूरी तरह से सुरक्षित है। भूचाल बंद हो गया है और इंद्रधनुष भी जा चुके, इसका मतलब है कि महामंगल पर्व खत्म हो चुका है। अब कहीं रानी परी वापिस तो नहीं आएगी ना? बकवास बंद करो तबा तबा, यहाँ भयंकर परी सामने खड़ी है और तुम लोगों को रानी परी की चिंता है। भयंकर परी जल्दी बाहर आने की कोशिश करो, हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी करो भयंकर परी, जल्दी करो। हाँ। जल्दी बाहर आओ भयंकर परी, एक बार तुम आजाद हो जाओ फिर देखना, हम दोनों मिलकर ऐसा भयंकर बवंडर मचाएंगे कि परीलोक के नींव में दरारें पड़ जाएगी और पूरा परीलोक मिट्टी का ढेर बन जाएगा। जल्दी करो भयंकर परी।